जय श्री राम। श्री राम चरित मानस के दिव्य पाठ में श्रोताओं का एपिसोड 131 में सुस्वागत है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, हरष बिबस तन दशा भुलानी, परे दंड इफ कही पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। भावार्थ, आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दम की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनी अति प्रसन्न मोहि जानी, मागहु बर जय भाव मन महादानी अनुमानी। भावार्थ, फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु वचन चेरी चुपानी, धरी धीर चु बोली मृदु बानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। भावार्थ, प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाती सोनाही, तुम ही देख अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहिनी छुपनाई। भावार्थ, फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथातरिच विभुतत्र पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाए, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय हुई। भावार्थ, जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक जबरे मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जान हूँ अंतर जामी, पुरभु मोर मनोरथ स्वामी, सकुश बिहाई मागु नृपमोई, मोरे नहीं अते कछु तो ही। भावार्थ, हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी सिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम्हें ही समान सुख प्रभु संकवन दुराव। भावार्थ, राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। प्रभु श्री राम कथा के श्रवण के उत्सुक भक्तों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन क्लिक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।